साथियों नमस्कार। दोस्तों आज अपन यहाँ बात कर लेते हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन की जो याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई है तो क्या उसके बाद जो सुनवाई होने वाली है तो उसमें क्या कट ऑफ में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, यदि होगा तो कौन सी शिफ्ट को इसका प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो साथियों आगे बढ़े उससे पहले छोटा सा निवेदन मैं आपसे ज़रूर करूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को आप ज़रूर दबाएँ। देखो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो नॉर्मलाइजेशन के लिए जो फोर्थ शिफ्ट के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एक याचिका लगाई, ठीक है ना। तो साथियों मैं आपको इतना तो कह सकता हूं कि आपकी कट ऑफ में साथियों निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, इसमें कोई भी ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। अब सवाल ये है क्या इससे कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। देखो साथियों इसका तो कहना देखो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना है जो तीन क्वेश्चनों पर जो सांसें अटकी हुई हैं वो निश्चित रूप से हाई कोर्ट को सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है यदि वो तीन क्वेश्चनों के यदि आपको राइट मान लिया जाता है तो फिर जो कट ऑफ है वो साथियों बहुत ही क्या हो जाएगी, परिवर्तन आपको बहुत ही बड़ा देखने को मिल सकता है। जो कैंडिडेट एक या दो नंबर से जो कट ऑफ से बाहर हो गए थे तो वो अंदर आ सकते हैं, ठीक ना। और जैसे कि भाई रिसर्च जो कमेटियां हैं उनका सुनने में आ रहा है कि भाई इनके नंबर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विद्यार्थियों में जो एक बहुत ही बड़ा आक्रोश है तो कोर्ट है वो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जा सकता है। तो कहीं ना कहीं साथियों मैं आपको दावे के साथ ज़रूर कहूँगा कि इसकी कट ऑफ में परिवर्तन ज़रूर आएगा, लेकिन कितना परिवर्तन आएगा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है। और इतना भी तय हो चुका है कि परिणाम है इसमें काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें और जो भी छोटी मोटी अपडेट आती हैं मैं आपको अवगत करा दूँगा, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल आप तैयार रखें। ठीक है, धन्यवाद।